भटक रहे थे हम अंधेरी राहों में, पापों में डूबे खोए हुए। भटक रहे थे हम अंधेरी राहों में, पापों में डूबे खोए हुए। ढूंढा मुझे अपना लिया, ढूंढा मुझे अपना लिया तेरे लिए। भूलेंगे न हम तेरे प्यार को, भूलेंगे न हम तेरे प्यार को। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराना, इधर ध्यान दीजिए, मेल कराने का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, कोई बोल सकता? फूट करवाना ना, फूट डालना। तो कुछ लोगों के एक शब्द, कुछ चलन चाल से वो मेल तो कराता नहीं है, परंतु फूट पड़ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर फूट करने वाले को तो यहां बोला नहीं है, क्योंकि उसको तो सजा बहुत जबरदस्त है। फूट डालना बहुत बड़ा पाप होता है। कितना लोग, कितना परिवार को फूट के द्वारा मार दिया है। सास ससुर, ससुर सास से, बहू बाबी से, बाबी बहू से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, पत्नी का परिवार वाले पत्नी को बोला पति के परिवार वाले के विरुद्ध, पति का परिवार वाले पत्नी के परिवार वाले के विरुद्ध पति से बोला, तो पति पत्नी से नफरत करता है। और पत्नी का परिवार वाले पति के परिवार वाले के विषय में बोला, तो पत्नी सोचा कि मेरे पति के परिवार वाला ऐसा है तो हम इनको ऊपर सारा दिक्कत कर दे। तो कौन किया है इसका, कोई बाबी बहन भैया वो कुछ बोला है, वो फूट पड़ गया है इसका मन में, इस कारण ये दोनों को रिश्ता में बाधा आ गया है। ये कभी एक दूसरे के साथ फैमिली रिलेशन में नहीं आ सकता है, नहीं आ पा रहा है, क्योंकि फूट पड़ा है। फूट पड़ने के कारण किसी ने फूट का शब्द डाला है, मैटर डाला है, फूट आ गया है। प्रभु ने बोलता है, मुझे मालूम है, मैं एक परिवार के विषय में बोलता है, मालूम है एक बहुत पहले साल हमने सुना था, किसी लड़की को लड़का देखने के लिए कोई आ रहा था गल्फ से, तो ये लड़की से कुछ, ये लड़की को दिक्कत था, इसलिए वो जो लड़का जो आने वाला था उसको शायद मिलकर रोड पर मिले कि किसी से मिले, उसी को बोला कि लड़की देखा ना ऐसा है, वो उसी रोड से ही लौट करके अपने घर चला गया। बापरे बापरे, इससे हम देखेंगे ही नहीं, शादी भी नहीं करेगा। हमने सुना है उसका जिंदगी फिर काफी साल तक शादी नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, एक फूट डालने से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद है कि नहीं? तो प्रभु ने कहा था फूट डालने वाले को परमेश्वर का राज्य नहीं मिलेगा, परंतु मेल करवाने वाले को परमेश्वर का राज्य मिलेगा। जो मेल करवाएगा, जहां पर ऑलरेडी फूट है उसको दोनों जोड़ देगा, मेल करवाएगा, उसी को परमेश्वर का राज मिलेगा। हालेलुया। धन्य है वो लोग जो मेल करवाता है। क्या तू मेल कराती है या फूट डालती है आज भी, यीशु का नाम लेने के बावजूद भी? हालेलुया। ध्यान से आप चले और परमेश्वर से डरिए, मनुष्य से नहीं, प्रभु के वचन पर चलना शुरू कीजिए। हमारे शब्द, हमारे एक चलन, एक एटीट्यूड, हमारे एक स्टेटमेंट, या फिर हमारा कुछ कमेंट्स, कुछ फीडबैक, हो सकता कई जगह फूट हो जाता है। इसलिए सावधानी रखें, ऐसे फूट आपके द्वारा हुआ है तो प्रभु आपसे जजमेंट करेगा। पहले बात, उनको
प्रभु कहता है वो धन्य लोगों में नहीं माना जाता है। प्रिय लोगों, ये सेंसिटिव एरिया है। पवित्र आत्मा से यदि आपको चलना है, यीशु को प्रेम दिखाना है, तो आप मेल कराने के लिए आज से शुरू करें, आज से आप शुरू करें, मेल करवाएं। और सोचना, आप दसवां अंश चर्च में डालने से बढ़कर होता है आप यदि मेल करवाता है। दो व्यक्ति फूट गया, दो व्यक्ति आपस में फ्लिट है, दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलता नहीं है, दो परिवार मिलता नहीं है, दो समाज नहीं मिलता है, यदि आप उसमें कनेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और आप उसके लिए एक एक ये कनेक्शन पाइप बनेगा, तो प्रभु का राज आपका है। हालेलुया, हालेलुया। आप दस बार दसवा अंश परमेश्वर के सामने चढ़ाने से, सैक्रिफिशियल गिविंग 1,000 रुपया देने से बढ़कर है एक बार मेल कराने वाला एक शब्द आपसे बाहर निकले जहां पर फूट है। सावधानी रखे, सावधानी रखे। हमारा चाल चलन से फूट होने का संभावना है, हमारे बातचीत से फूट होने का संभावना है, इसलिए बहुत डेंजरस है। हमारे द्वारा ऐसा नहीं होना है। यदि ऐसे पुराने जीवन में ऐसे कभी हुआ है तो आज पश्चाताप करें और प्रभु से बोले, प्रभु हमसे गलती हो गया, मुझ पर दया करें, परंतु आज से एक नया डिसीशन मैं ले लेता हूं, मैं फूट नहीं डालूंगा परंतु मेल कराने वाला व्यक्ति बनूंगा। बहुत बड़ा अभिषेक आपको ऊपर आज उतर के आएगा, एक महान प्रभु को उपस्थिति आपको ऊपर आएगा। ऐसे लोग को प्रभु ढूंढता है, क्योंकि बोलता है, कहता है उसी को प्रभु का राज्य है वो धन्य लोग होता है। हालेलुया। ऐसे लोग आज का डेट में परमेश्वर को चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में फूट 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 फूट, परिवार में फूट फूट, काम के क्षेत्र में फूट, दुनिया में फूट, समाज में फूट, भाई भाई में फूट, बहन बहन में फूट। ऐसे जगह में आपको प्रभु अभिषेक करेगा और मेल कराने वाला व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। कितना विशाल है और कितना छोटा है आपका समूह या कनेक्शन, से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी आप हैं वहां पर परमेश्वर के लिए एक दीपक आप बन सकता है। इसी के लिए कहता है, तू संसार के लिए ज्योति है, तू संसार के लिए ज्योति है, तू संसार के लिए ज्योति है। जो नगर चट्टान के ऊपर, पहाड़ के ऊपर बनाया गया है, वो नगर जो है सब देखता है। दीपक पलम के नीचे नहीं, परंतु दीपक लाइट स्टैंड में रखता है। लाइट के लिए पुराने जमाने में स्टैंड होता है, पुराने घर में जाएंगे तो ऐसे सीमेंट से या मिट्टी से बना हुआ रखता, वहां पर दीपक रखने का जगह है, दीपक स्थान। दीपक लेकर के चौकी के नीचे नहीं, परंतु दीपक स्थान में रखता है। कारण यह है, जितना लोग वो घर में आएंगे उसमें उसको रोशनी मिले है। इसलिए यीशु मसीह ने आपको चौकी के नीचे से उठाया और उस दीपक स्थान में प्रभु यीशु आपको रखा है, ताकि सारे घर के अंदर रोशनी आ जाए। हालेलुया। आपके द्वारा दुनिया में रोशनी आए। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया कैसे भी चलने दीजिए, आपका दोस्त मित्र कैसे भी चलने दीजिए, परंतु आप एक स्पेशल लाइफ शुरू कीजिए, एक डिफरेंट लाइफ, एक डिफरेंट लाइफ, एक अलग चैनल से आप चलिए, प्रभु का महिमा उसी से होगा। आप शुरू कीजिए, बाकी लोगों को जैसे जाने दीजिए। जो प्रभु का वचन आपको मिला है उसके अनुसार आप पवित्र करके शुरू करने से प्रभु आपके साथ में चलेगा। जिस जगह आपको बोला है कि ये खराब है, ये ठीक नहीं है, वहीं पर प्रभु आपको महिमा को करेगा। पिता परमेश्वर, आज इस वचन के लिए धन्यवाद और स्तुति आराधना करता हूँ। ये यहाँ पर सुने हुए हर व्यक्ति को प्रभु इसको ग्रहण करने का ताकत दे, और जो ग्रहण कर दिया उनके दिल में बने रहे, और विशेष करके इसके अनुसार ये शक्ति, ये प्रोसेसिंग इनके जीवन में हो जाए। वचनों को ग्रहण करके उसको तिरस्कार नहीं करके इसके ऊपर चलने के लिए, समय खत्म नहीं हुआ है, अभी भी समय बाकी है, ये मेरा समय है प्रभु के लिए, ऐसे सोच करके
प्रभु अपने आप को पवित्र करे और अपने जीवन में प्रभु के साथ में चलने के लिए इनको बड़ा अभिषेक और शक्ति इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु मसीह दे दे। प्रभु ऐसा ही होने दे। धन्यवाद देता हूँ, हमारे प्रार्थना सुना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भूलेंगे न हम तेरे प्यार को, भूलेंगे न हम तेरे प्यार को, कलवारी पर जीवन दिया।